ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। प्रदेश में बढ़ते कोरोना काल के बीच सत्ता संगठन और विपक्ष सब एक साथ एक मकसद की कैसे भी जनता को बचाया और हर संभव मदद जरूरतमंद तक पहुंचाई जाए के उद्देश्य के साथ जुट गए हैं। इसी कड़ी में अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कोरोना काल में आमजन को राहत पहुंचाने के लिए आगे आएगी। इसके तहत कांग्रेस देश भर में 10 लाख मास्क वितरित करेगी। आगामी 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर प्रदेश भर में इस अभियान को शुरू किया जाएगा। वहीं पार्टी जरूरतमंदों को खाने के पैकेट, सूखा राशन और दवाइयों की किट भी वितरित करेगी। इसके अलावा विधायक अपने कोटे से अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में दो दो एम्बुलेंस देंगे। ये निर्णय सोमवार को राजस्थान कांग्रेस की हुई वर्चुअल बैठक में किए गए। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण, पार्टी के विधायकगण, जिला कांग्रेस कमेटियों के निवर्तमान जिलाध्यक्षगण तथा अग्रिम संगठनों के प्रदेशाध्यक्ष गणों की संयुक्त बैठक सोमवार को वीसी के माध्यम से राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव एवं राजस्थान प्रभारी अजय माकन, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने संबोधित किया। बैठक में कांग्रेस पदाधिकारियों और नेताओं को तीन अलग अलग टास्क दिए गए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पीएम केयर से मिले वेंटिलेटर्स को खराब बताते हुए केंद्र पर निशाना साधा। कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पीएम केयर्स फंड से मिले वेंटिलेटर सही तरह से काम नहीं कर रहे हैं। आज केंद्र सरकार की इंजीनियर्स की टीम भी ठीक नहीं कर पा रही है। ऐसी परिस्थिति में विपक्ष बिना किसी तथ्य के अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। सीएम गहलोत ने कहा कि ये वेंटिलेटर लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने के समान हैं, इसलिए खराब और दोषी वेंटिलेटर की सप्लाई करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे कहा कि राजस्थान सरकार ने एमएलए फंड को 5 करोड़ दिया है, जबकि केंद्र सरकार ने सांसद निधि कोष को खत्म कर दिया। एमपी फंड आज जारी रहता तो एक एक सांसद 1 से 1.25 करोड़ रुपए अपने क्षेत्र के सीएससी पीएससी पर खर्च कर सकता था। सभी विधायक एमएलए फंड से 50 लाख रुपए तक का सूखा राशन एनजीओ एक्टिविस्ट धर्म गुरुओं के सहयोग से जरूरतमंदों में बांटकर जनसेवा कर सकते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आगे बताया कि राज्य सरकार जनता की जान बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने 70 शहरी निकाय क्षेत्रों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। 70 शहरों में 1.5 महीने में ऑक्सीजन प्लांट चालू हो जाएंगे। सीएम अशोक गहलोत ने आगे कहा कि केंद्र सरकार को देश में वैक्सीनेशन के लिए एक रोड मैप तैयार करना चाहिए। किसे कितनी वैक्सीन उपलब्ध करवाई जाए इसकी जानकारी देनी चाहिए। केंद्र सरकार को ग्लोबल टेंडर निकालकर वैक्सीन की राज्यों को सप्लाई करनी चाहिए, भले ही उसका पैसा राज्यों से ले लिया जाए। इसके बिना देश के विभिन्न राज्यों के बीच कॉम्पिटिशन शुरू हो जाएगा, जो भविष्य के लिए अच्छा संकेत नहीं होगा। सीएम गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार सकारात्मक सुझाव भी मानने से परहेज करती है। इस बैठक के 2 दिन बाद अब 19 मई को एक बार फिर बैठक होगी। उसमें कांग्रेस नेता गुलाम नबी और प्रदेश प्रभारी अजय माकन भी शामिल होंगे और फीडबैक लेंगे। बैठक के दौरान सीएम गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि कोरोना काल में लोगों तक हर संभव मदद पहुंचाएं, सरकार की स्कीम की जानकारी आमजन तक पहुंचाएं, केंद्र सरकार की विफलताओं की जानकारी भी जनता को दे। गहलोत ने कहा कि पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने कोविड को लेकर केंद्र को पहले चेताया था, लेकिन केंद्र ने ध्यान नहीं दिया। कांग्रेस की वर्चुअल बैठक में यह फैसला भी लिया गया कि पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। ये कमेटी कोरोना को लेकर पार्टी को समय समय पर राय देगी। पार्टी कोरोना काल में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए दिए गए सुझावों पर काम करेगी। पॉलिटॉक्स ब्यूरो जयपुर। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।